हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ओके गाइस, हम आज बात करेंगे बेसिकली आईफोन 15 जो अगले साल लॉन्च होगा बेसिकली, जो कि थर्ड क्वार्टर में 2023 के बेसिकली, तो वो किस तरह से रहने वाला है, उसमें क्या क्या अपग्रेडेशन आने वाले, या फिर इस साल का जो आईफोन 14 था उसी तरह से फ्लॉप होगा बेसिकली, क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशन जो इस साल लॉन्च हुए थे जो आईफोन 14 था बेसिकली, वो बहुत ही यहाँ पे डिसेंट थे, इसकी वजह से वो आईफोन 14 जो है बेसिकली फ्लॉप हो चुका है। और गाइस क्या है कि आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस के तो सेम ही यहाँ पे स्पेसिफिकेशन थे, तो इसी वजह से आईफोन 15 एंड 15 प्लस के भी सेम स्पेसिफिकेशन रहने वाले, और सिर्फ डिस्प्ले का यहाँ पे जो चीज रहेगा बेसिकली। गाइस इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए प्लीज़। और गाइस अब आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स पर बेसिकली। तो गाइस फर्स्ट जो अपग्रेडेशन रहेगा सबसे बड़ा बेसिकली, तो वो है डिस्प्ले में डायनेमिक आइलैंड, जो प्रो मॉडल्स में पिछले साल आईफोन 14 प्रो वेरियंट्स में आया था, वो अभी आईफोन 15 सीरीज़ में पूरे के पूरे सीरीज़ में हमें मिलने वाले बेसिकली डायनेमिक आइलैंड। तो गाइस इसी वजह से जो हमें जो फीचर्स थे डायनेमिक आइलैंड में, जो जितने भी फीचर्स आए थे बेसिकली वो मिलने वाले बेसिकली। तो गाइस मुझे तो आईफोन में जो पिछले साल सॉफ्टवेयर था उनका iOS 16 वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, पर गाइस पसंद नहीं आया, पर डायनेमिक आइलैंड के जितने भी फीचर्स थे वो बहुत ही तगड़े फीचर्स थे बेसिकली, जो म्यूजिक के थे या फिर क्लॉक्स के थे बेसिकली, अच्छे एकदम तगड़े थे, जो कि हमें आईफोन 15 में बेस वेरियंट्स में भी मिलेंगे और यहाँ पे आईफोन 15 प्लस में भी मिलेंगे बेसिकली। और गाइस जो सबसे बड़ा अपग्रेडेशन रहने वाला है वो कैमरा में रहेगा बेसिकली आईफोन 15 या आईफोन 15 प्लस में, क्योंकि जो 48 मेगापिक्सल का जो आईफोन 14 प्रो वेरियंट्स में था, 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर था बेसिकली, वो बड़ा सेंसर अभी आईफोन 15 मोबाइल्स में भी यहाँ पे मिलने वाला है हमें, तो इसकी वजह से जो शार्पनेस एंड डिटेल्स थी वो भी बहुत ही तगड़े रहने वाले। जो प्रो वेरियंट रहेगा उसमें फोटो 3x to 10x जूम रहेगा बेसिकली, तो वो सेंसर बढ़ने वाला है प्रो वेरियंट्स में आईफोन 15 प्रो वेरियंट्स में, बट जो आईफोन 15 रहेगा उसमें 48 मेगापिक्सल का ये सेंसर दिया जाएगा, जो पिछले साल दिया गया था आईफोन 15 में अच्छी खासी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं बेसिकली इस सेंसर से। गाइस इसी के साथ हम अगर आईफोन की फ्रेम की बात करें तो गाइस सभी के सभी यहाँ पे आईफोन्स की कॉपी करने लगे थे, आगे थे एंड्रॉइड कंपनियाँ, तो गाइस इस साल जो है वो अपनी फ्रेम की डिज़ाइन चेंज करने वाले, यानी कि राउंडेड कॉर्नर होने वाले, जो कि यहाँ पे फ्लाइट एजेस रहते थे उस तरह से यहाँ पे इस बार आईफोन 15 में क्या होने वाला है कि डिज़ाइन चेंज करके कॉर्नर डिज़ाइन देने वाले, जो कि फर्स्ट आईफोन 15 में हमें राउंड कॉर्नर मिलेंगे एंड आईफोन प्रो वेरियंट जो भी रहेगा उसमें बॉडी जो है हमें टाइटेनिक मेटल फ्रेम की रहेगी, तो इसकी वजह से जो वेट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो बहुत ही कम रहने वाला है, राउंडर कॉर्नर होने की वजह से हमें ग्रिप भी अच्छी मिलेगी। और गाइस अगला अपग्रेड की बात करें तो आईफोन 15 में बेसिकली वो मिलेगा जो बायोनिक चिपसेट थी, जो प्रो वेरियंट्स में मिली थी पिछले साल, जो एप्पल A16 बायोनिक चिपसेट जो पिछले साल मिली थी वो आईफोन 15 में मिलेगी, आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस में दोनों ही। इसके वजह से जो परफॉर्मेंस तो इतना कुछ अपग्रेडेशन नहीं है एप्पल A15 बायोनिक चिपसेट से, पर गाइस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो आप अगर गेमिंग करते हो तो, और गाइस गेमर तो देख सकते हो कि गेमर कितने आईफोन्स लेते हैं बेसिकली, और आईफोन्स में ही खेलते हैं गेमर्स, कि ग्राफिक्स अच्छे होंगे तो यहाँ पे गेम में लैग नहीं होगा। जो चिपसेट है उसकी अपग्रेडेशन की वजह से जो हमें सेंसर कैमरा सेंसर रहेगा उसका भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ISP भी चेंज होगी इसके वजह से, जो आईफोन 14 में जिस तरह का कैमरा था, जिस तरह के फ़ोटोज़ निकलते थे उससे कहीं बेटर फोटोज़ यहाँ पे इस चिपसेट से निकल सकते हैं। और गाइस अगले अपग्रेड की बात करें तो गाइस इस बार जो है जो सभी के सभी आईफोन्स हो गए, आईपैड्स हो गए या फिर मैकबुक हो गए, सभी के सभी प्रोडक्ट्स में एप्पल क्या कर सकता है कि टाइप सी यहाँ पे पोर्ट्स दे सकता है, तो गाइस इसके वजह से आईफोन 15 में हमें आईफोन 15 में टाइप सी पोर्ट दे सकता है। पहले तो क्या रूमर्स आ रहे थे ना कि जो टाइप सी पोर्ट है वो लाइटनिंग केबल का पोर्ट है बेसिकली, तो वो डायरेक्टली रिमूव कर देगा, पर गाइस ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो डेटा ट्रांसफ़र करने में या फिर बहुत सारे रीज़न की वजह से यहाँ पे रिमूव नहीं करा जा सकता। और गाइस हर जगह हम तो सिर्फ और सिर्फ वायरलेसली यहाँ पे डेटा शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइप सी, आप अगर सोचो कि टाइप सी अगर दे दे आईफोन, तो गाइस क्या होगा ना कि हम अगर कोई भी इक्विपमेंट्स हो गए टाइप सी वाले, तो एंड्रॉइड्स वाले ही बेसिकली, तो वो सभी हम खरीद सकते हैं, क्योंकि टाइप सी हेडफोन्स हो गए वो भी हम चला सकते हैं आईफोन 15 में, या फिर जो टाइप सी चार्जर्स होते हैं बेसिकली फास्ट चार्जर्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं आईफोन्स में, क्योंकि जो आईफोन के चार्जर रहते हैं या फिर एक्सेसरीज होती है वो बहुत ही महंगी होती है बेसिकली, तो उसकी जगह रिप्लेस करके हम कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। इस टाइप सी की वजह से यहाँ पे एप्पल को जो बहुत ही यहाँ पे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो आप अगर देखोगे तो लाइटनिंग पोर्ट जब था बेसिकली, तो उससे पहले हर एक कंपनी को रॉयल्टी देनी पड़ती थी उनके केबल्स
फोन्स बनाने में भी सीरी अगर बनाता था कोई भी कंपनी जैसे कि थर्ड पार्टी की कंपनी भी सके तो उनको रॉयल्टी देने पड़ती थी या फिर पे करनी पड़ती थी एप्पल कंपनी को भी सके। तो ये रॉयल्टी अब ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से क्योंकि टाइप सी तो हर एंड्रॉयड में यूज़ किया जाता है तो इसकी वजह से कोई भी रॉयल्टी नहीं मिलेगी, इससे एप्पल का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा बेसिकली। ये देखिए कुछ अपग्रेडेशन मिलने वाले हैं हमें आईफोन 15 में बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।